सो गाइस फरमाइश थी कि हमको खानी है बिरयानी और ये बच्चा हो गई है बिल्कुल बताइए। मैं कैमरा लेके आऊंगा ना तो आपको इसको ट्राई करना है। हे गाइस मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। भाई आज का ये जो व्लॉग होने वाला है ये होने वाला है एक्सपोज्ड, आज सबकी पोल खोल देगा आपका भाई एक्सपोज्ड डेली व्लॉगर। और ये पूरा व्लॉग होगा बहुत अमेजिंग, बहुत अलग अलग कैटेगरी में, किसी पे भी टारगेटेड नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। तो दिल 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 पे ना लगे व्लॉग, बस एंजॉय करें। चलिए शुरू करते हैं। One hour later. मैंने सारा काट दिया है। ओके, तो तुम एक काम करो, तुम बाहर जाके हॉल में बैठ जाओ और मैं आपको लेती हूँ। हेलो गाइस, सो ये है आपकी दुनिया। सो आज मैं बना रही हूँ 10 किलो की बिरयानी एंड सारा मैंने प्रिपरेशन कर लिया है। ये मैंने 1/2 kg अनियन लिया है, इसको चॉप कर लिया है बहुत बारीक सा। चल चूटा। और ये हमारा हो जाएगा सैलेड के लिए। ये पूरी प्रिपरेशन हो गई है और आज हम बना रहे हैं 10 किलो की बिरयानी। व्हाट? सो गाइस फरमाइश थी कि हमको खानी है बिरयानी और हमने चावल धुल दिए हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अच्छा, और गोश्त को अच्छे से वॉश कर दिया है? जी जी कर दिया। अच्छा अभी कैमरा बंद कर लो। ये भगवान क्या जुलूम है। ठीक है तुम बाहर जाके बैठो, मैं शूट करके आती हूँ। सो गाइस अरे कहना क्या चाहते हो? ओके सो गाइस कैमरे में ये तो नहीं आई है ना? हाँ ठीक है। सो गाइस आज बनेगी बिरयानी, सबकी फरमाइश से बिरयानी, और मेरे होते हुए आपको बिरयानी ना मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिरयानी। तो गाइस अब फाइनली बिरयानी बनने जा रही है, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। मैं नहीं मानता। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी आ गए हैं घर में और हो रहा है लंच। तो ये अरे अभी व्लॉग बन रहा है। ओके ठीक है। और बताना है कि बहुत अच्छा लगे। ठीक है। और कड़ू लगे तो ये नहीं बोलना कि कड़ू लग रहा, बोलना कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है समझ गया। बहुत एक नंबर के खीरे हैं। ठीक है ओके स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम खा रहे हैं खीरा, कैसा है? बहुत अच्छा है। अभी मैं आऊंगा तो ये लगना चाहिए ना कि मैं बाहर से आया हूँ, सरप्राइज आप लोग को नहीं पता है। ठीक है ना, तो वैसे ही सरप्राइज वाला रिएक्शन देना है ऐसे कि मतलब पता है बिल्कुल एकदम कि अरे कब आए कैसा खूब, और अच्छे से इनको कैप्चर करना। ठीक है, दरवाजा जो है ना मैं नॉक करूंगा। ठीक है, तो ये अंदर से पहले बंद कर दो। चेंज कर लिए, वीडियो में अच्छा लगा, गंदे कमेंट्स आते हैं, फिर अपने आप को लुक भी तो मेंटेन करना होता है, वीडियो में यही तो दिखता है। चल जा। 20 मिनट्स लेटर। हेलो गाइस, तो हम घर आ गए हैं और अभी किसी को भी नहीं पता है कि हम घर आए हैं। चल झूठा। तो सरप्राइज देते हैं, सबसे पहले नॉक करते हैं, अब देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होता है। लगता है सब लोग सो रहे हैं। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? आ रहा हूँ, रेडी हो? अस्सलाम वालेकुम। आपको भाई, आपको भाई। मैंने कहा आप सबको सरप्राइज। याद के लिए गिफ्ट। 100 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं नहीं नहीं, बस मैंने कहा कि हम जो है ना आज आपको सरप्राइज देते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत ज्यादा सरप्राइज था। देखिए आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं। वाह। अरे ये बात बोल देना कि बाद में खोलेंगे। बाद में खोलेंगे, बाद में खोलेंगे। बोल रहे हैं कि बाद में खोलेंगे। आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, ओपन करके देखिए कैसा लगा। कोई नहीं, बाद में खोलेंगे, पहले आप खाना खा लीजिए। 10 साल वेट कर रहा है। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या कर दिया? ऐसे रहने देना, आपको अब एक्टिंग करना ना, कैसे फाड़ा और गिर गया और हम ऐसे करेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम ऐसा रिएक्ट करना है कि जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, देखिए बताओ आपको फाड़ना भी नहीं आता है। फ्रेंड्स ये देखिए, मम्मी से जो है ना ऐसे गिर गए तो फाड़ना भी नहीं आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है ये बच्चा हो गई है बिल्कुल।
बताइए ऐसे गिर गया। क्योंकि मैंने तुझे बोला था कि नाश्ते में सिर्फ आलू का पराठा बनेगा, तो तूने सैंडविच क्यों बनाया? मैंने बोला था कि वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है सैंडविच, ब्रेड नहीं खिलानी है। बहस क्यों कर रहे हो आप दोनों? हमें अपने ब्लॉग में सबसे ज्यादा प्यार दिखाना है, ठीक है? वो ठीक है, लेकिन बच्चे की सेहत भी तो सही रहनी जरूरी है। अरे प्यार देखे, व्यूज कम हो रहे हैं भाई चैनल पे, तुम्हारे पायल तुम्हारे भी चैनल पे कम हो रहे, कितने का तुम्हारे इसमें भी, सबके चैनल पे कम हो रहे व्यूज। जितना प्यार दिखाएंगे तो समझा लो, मैं तो नहीं समझने वाली, मैंने तो तुमसे पहले ही बोल दिया। अरे अच्छा ब्लॉग में प्यार दिखा लो, बाद में एक दूसरे के चोटी पकड़ के खूब लड़ना, ठीक है? मैं ठीक है समरिया, आऊंगा तो बहुत प्यार से बातें करनी है, ठीक है? ठीक है। तो भाई हम चीको को लेके आ गए हैं, चीको की आज हम नाश्ता लेके आते हैं, चल। सो तूने जो वो बनाया था लेके आना जल्दी से लगा। चीको की मम्मी, यह चीको की मम्मी नंबर वन, यह चीको की मम्मी नंबर टू। सो क्या चल रहा है यहाँ पे? आज हमने बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाया। जा कृतिका, तुझे बोला था ना लेके आ जल्दी से। सो हम भाई सबसे ज्यादा लोग इसलिए हमसे जलते हैं क्योंकि हम इधर पीछे से आ जाते ना, तुम भी आ जाओ, दोनों रहेंगी चीकू की मम्मी तो सही रहेगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो लोग हमसे जलते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो प्यार है, जो मोहब्बत है, लोगों के ये हजम नहीं है। आप लोग भी बोलिए ऑडियंस को, और मतलब नहीं नहीं हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं, बहनों से भी ज्यादा सगी। क्या हुआ अगर हम दोस्त हैं? पर है भी तो पक्की वाली। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पहले बेस्ट फ्रेंड, अब दोनों बीवियां। तो भाई लोग हमसे मारे से जलते हैं, थोड़ा सा हरियाणी में भी बोल देना तो लोगों को वो हरियाणी में टच। लोग जलते हैं तो चलने दो, हमारा क्या जाता है? हरी जुती थारा पैसा। सो गाइस, भाई से मारे से बस इतना कहना है कि जितना लोग जल रहे ना, हम उनको उतना ही जलाएंगे, और हमारी जो मोहब्बत है लोग जिसको तोड़ने के लिए लगे हैं वो लोग सोचते रह जाएंगे। और अभी तो बिग बॉस से भी हमारे लिए ऑफर्स आ रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बिग बॉस में जाएं, धमाका मचाएं। बिल्कुल होना चाहिए, और हम जाएंगे तभी तो मजा आएगा। वैसे लोगों की जलेगी कि जितना बिग बॉस हमें ऑफर कर रहा है उतना हम महीने का नहीं हफ्ते में कमाते हैं। पैसा ही पैसा होगा। ऐसे छोटे मोटे व्लॉगर थोड़े हैं, ट्रेंड कर रहे हैं हम, ट्रेंड। क्या लवेबल फैमिली, नो डाउट। ठीक हो गया, तुम लड़ सकती हो यार। व्लॉग में जितना प्यार दिखाएंगे लोग उतना अंधे होंगे। हाँ, दिखा दिखा। हाँ, इसके लिए को डिलीट ही कर देती हूँ ना कि आलू का पराठा बनाना है, सैंडविच क्यों बनाया तूने? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सो गाइस, ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपोज डेली व्लॉगर, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के व्लॉग से देखे हैं जो बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं। उनको पता होता है कि अच्छा अब क्या बोलना है, पहले से बताया जाता है कि जब हम आएंगे तो ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम इसी टॉपिक को लेकर आपको एंटरटेन करते हैं, और मेरा किसी को भी टारगेट नहीं, किसी को हम दिल दुखाएं, बस आप सबको एंटरटेन करने का मेरा पर्पस था। एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड वाला बटन दबा दो, फोड़ दो, मार दो, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ ये, अगर ये आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके बताएं भाई कि और हम किस पे ब्लॉग बनाएं। इंशाल्लाह फिर इसकी हम मतलब काफ़ी सारी मेहनत करेंगे। तो बस मिलते हैं आपसे सीधे ऐसे ही फनी और अमेजिंग से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा के, अल्लाह हाफिज़।